तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और यार अगर आप Redmi Note 7 Pro के यूज़र हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। आपको एक नई अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फीचर यहां पर नए आए हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड कौन कौन से फीचर यहां पर रिमूव हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यार पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पहले फीचर्स की, क्या फीचर आए हैं और क्या रिमूव हुए हैं और कौन कौन से फीचर हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो अगर आप डिवाइस को अनलॉक करते हैं तो एनिमेशन यहाँ पर अभी भी हैं, एनिमेशन नहीं गए हैं। बहुत सारे डिवाइसेस के लिए एनिमेशन रिमूव कर दिए गए हैं पर Redmi Note 7 Pro के लिए रिमूव नहीं हुए हैं। पर यार जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। जब आप अपने डिवाइस को अनलॉक करते हैं तो एनिमेशन होते हैं पर यार ये जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है ये रिमूव कर दिए गए हैं। आपको कंट्रोल सेंटर ब्लर ही देखने को मिलता है तो ये कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो भी पुराने हैं, नए नहीं हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट न्यू वंस, यही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको न्यू कैलेंडर विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, न्यू गैलरी ऐप का विजेट आया हुआ है एंड न्यू म्यूजिक कंट्रोल के विजेट भी देखने को मिलते हैं, यानी कि म्यूजिक ऐप के। तो यहाँ पर जाते हैं, अभी मैं पिंच टू जूम करता हूँ तो न्यू सिस्टम लॉन्चर है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर सेटिंग्स एंड विजेट का ये बड़ा सा साइन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये म्यूजिक के विजेट आए हुए हैं, ये सभी जो है वो कैलेंडर के हैं। और यहाँ पर आपको गैलरी के सारे विजेट देखने को मिल जाते हैं, ये सिक्योरिटी ऐप के हैं और यहाँ पर सेटिंग्स के हैं। तो ये जो है वो सारे विजेट सिस्टम यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन से आता है, ये MIUI 13 का हिस्सा तो नहीं है। कुछ एप्लीकेशन जो है अपडेट्स होती हैं तो विजेट्स जो है वो नए आ जाते हैं, तो यही हुआ है। यहाँ पर भी नए विजेट्स जो है वो एप्लीकेशन की अपडेट्स आई थी उनमें ये जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर टूल बॉक्स भी नया आया हुआ है एंड सिक्योरिटी ऐप भी नई आई हुई है। अगर मैं किसी भी सिक्योरिटी ऐप तो ऐसी ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से पर फीचर जो है वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तो गैलरी में मैंने इसे ऑन किया हुआ है न्यू टूल बॉक्स, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का टूल बॉक्स देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो यहीं से आप जो है एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको चाहिए। तो ये जो है वो यहाँ पर नया आया हुआ है, तो ये मेरे को अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आप जो है वो बैटरी कम हो गई, तो अगर आप किसी गेम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो न्यू वो भी देखने को मिलता है, गेम टर्बो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड नहीं मिलता है, बाकी वॉइस चेंजर नहीं मिलता है, टाइमर है बस। तो यहाँ पर आपको जो है फ्लोटिंग विंडो की ऑप्शन मिल जाती है, तो इससे जो है आप फ्लोटिंग विंडो को जो है ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हुई हैं तो मेरे को अच्छी लगी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी इंडिया में कौन कौन से फीचर आएंगे तो पता नहीं है पर गैलरी एंड सिक्योरिटी ऐप का तो आ जाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन अपडेट्स हैं यार, ये तो आ ही जाएंगी। पर बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की अपडेट है। तो यहाँ पर इस अपडेट में क्या, चलिए जो है आपके सामने है। पर ये अपडेट हमें इंडिया में कब मिलेगी, तो यार ये जो अपडेट अभी सिर्फ चाइना में रिलीज की गई है MIUI 12.5.4.0 की। ओल्ड स्पेक्स में जाते हैं तो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यार एंड्रॉयड 11 या 12 आपको देखने को इसमें नहीं मिलने वाला। और अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइस है दोस्तों अब एंड ऑफ लाइफ है, इसे और कोई नई अपडेट नहीं मिलेगी। बस यही लास्ट अपडेट है जो चाइना में मिल चुकी है और इंडिया में उम्मीद है कि मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है, क्योंकि Xiaomi जो है अब इसे ध्यान नहीं देगा, बस इसे एक अपडेट देगा जिसकी इसकी थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके, थोड़ी बहुत फीचर इधर उधर करके आपको अपडेट दे देगा, बस उस पर जो है वो ख़त्म कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, होपफुली यार मार्च के महीने में अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस अपडेट को आए यार 2 महीना हो चुका है, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मेरे को मालूम था ये अपडेट इतनी जल्दी नहीं आने वाली। तो देखते हैं क्या होता है। तो मार्च लेकर चलिए, अगर पहले आ जाती है तो अच्छी बात है, पर एक अपडेट लास्ट मिलेगी जो हमें मार्च में होपफुली मिल जाएगी। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर इस अपडेट के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।